An Academy. Let's crack it. आज मेरे साथ आपके एक ऐसे पर्सनालिटी बैठी हैं जिनके पास 25 साल से भी ज्यादा इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, और इसी सीरीज में आज हम बहुत ही एक तरीके से सुखद अनुभव और एक बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि सूर्यवंशी सर ने अन अकेडमी को ज्वाइन किया है। आइए चलिए सूर्यवंशी सर से थोड़ा जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को क्या क्या फायदा होगा अगर सूर्यवंशी सर जो है अन अकेडमी पे आते हैं। मैं अगर सूर्यवंशी सर के बारे में बताऊं तो 25 साल का पूरा इनका एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपना जो है खुद का भी जो है डायरेक्टर रहे अपनी कोचिंग में, इंस्टीट्यूटों में। तो सर मेरा सबसे पहले आपको अभिनंदन सर, नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, नमस्कार आपको, सारे अन अकेडमी परिवार को और अन अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारा स्वागत। तो सर आपके जर्नी से ही स्टार्ट करता हूं मैं। तो सर ये 25 साल का जो आपका एक्सपीरियंस था, ये कैसा रहा, और इस एक्सपीरियंस में आपने जो अन अकेडमी से जुड़ने की सोचा, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि आपने क्यों सोचा कि आप अब अन अकेडमी पे जुड़ने का सही समय आ चुका है। गुड, पिछले 25 वर्षों से मैं इस डोमेन में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, और आज भी मैं अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीख रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नी अभी और लंबी जाएगी। इन 25 सालों में 2010 में हिंदुस्तान में पहली बार जब ऑनलाइन कोचिंग सिविल सर्विसेज के फील्ड में आई, तो मैं उसका नेशनल एकेडमिक हेड था। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड था, पियर्सन पब्लिकेशन, सो ये यूएस बेस्ड कंपनी थी। तो ये ट्रेंड थोड़ा नया था और बच्चों के लिए भी नया था ऑनलाइन सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का, बिकॉज ये इंटरैक्टिव प्रैक्टिस का प्रिपरेशन पैटर्न है। इसमें जब तक टीचर्स के साथ स्टूडेंट इंटरैक्ट नहीं करता है, केवल नॉलेज एसिमिलेट नहीं करना है, उसे रिप्रोड्यूस भी करना होता है डिफरेंट स्टेजेस में। तो वो अपने डाउट्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ जब तक इंटरैक्ट नहीं करेगा, तब तक वो परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो 2010-12 में उस प्लेटफॉर्म पर रहा, लेकिन वहाँ कुछ टेक्निकल फ्लॉज थे जिसको मैंने फील कर लिया था। और 2012 में जब मैंने उसे छोड़ा, तो ऑफलाइन में ही फिर रहा रेगुलरली। जब रोमन जी ने इसे स्टार्ट किया, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पर्सनली उनका कॉल मुझे आया। इट वॉज 2018, और उस समय मेरे कुछ एंगेजमेंट्स ऐसे थे कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाया, अनफॉर्चुनेटली। बट लगातार प्रोग्रेस में वॉच कर रहा था, बिकॉज इंडस्ट्री में होने वाले डेवलपमेंट्स को स्टूडेंट के यूज के लिए कैसे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ये हम लोग वॉच करते रहते थे। हल्के वर्षों में जो टेक्नोलॉजिकल एज लिया अन अकेडमी ने, जो स्टूडेंट वेलफेयर को बेस बनाया अन अकेडमी ने, वो मुझे कहीं छूता चला गया। और स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए 2011 के बाद रिजल्ट बहुत वर्स रहे, क्योंकि मैं 1995 से इस सिस्टम का पार्ट, तो मैंने फील किया कि पहले जो रिजल्ट का रेशियो होता था इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम, और यू कैन से वोकेशनल लैंग्वेजेस, तो जो सॉरी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, तो ये जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का रेशियो था वो 40-60 का था। बट अभी रिसेंट अगर आप रिजल्ट देखोगे, 2011 में जो फाइनल रिजल्ट आया, वो अप्रॉक्स 1076 फाइनल रिजल्ट थे, जिसमें ओनली 46 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम vernacular languages and especially 26 students are from Hindi medium only. It means ki 1076 vidyarthi jo pass hue, usme se keval 26 bacche Hindi medium se the, aur 20 bacche baki local jo languages hai India ki unse the, baki sab English medium ke vidyarthi the. To ab isme jo challenge humne face karna shuru kiya after 2011 to till today, to humne mehsoos kiya ki jo regional level ka vidyarthi hai, wo technically बड़ा वीक है। टेक्निकली मीन्स उसको जो एजुकेशनल बैकग्राउंड मिलता है स्कूल कॉलेजेस में, वो थोड़ा सा उसे वीक मिलता है। और जब उसका मुकाबला होता है किसी अच्छे शहर के, किसी अच्छे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी से, तो वो कॉम्पीट नहीं कर पाता है। यहाँ पर अन अकेडमी ने एक बढ़त दी कि टेक्नोलॉजी के साथ गाँव गाँव तक बच्चों को उसने गाइड कर दिया। एक तरफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रहे थे, इंटरनेट की स्पीड्स बढ़ रही थी, कॉल फैसिलिटी बच्चों को मिलने लगी, और अन अकेडमी को मैं लगातार वॉच कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इस कोर्स को उन्होंने बहुत फ्रेंडली बनाने की कोशिश की। अगर आपको याद होगा तो जो फर्स्ट फेज था वो वॉइस ओवर फेज था,
उसमें केवल टीचर की वॉइसेस आती थी, कुछ स्क्रिप्ट्स होते थे और वॉइस ओवर चलता रहता था। फिर सेटेलाइट मीडियम्स के साथ आने लगा कि हम उसमें एक खास तरीके से लैपटॉप के थ्रू कर रहे थे, और अब इलेक्ट्रॉनिक पैनल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत इंटरेक्टिव है। 3D सिस्टम के साथ हम जब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो कार्टोग्राफी, या जब हम साइंस से पढ़ाते हैं तो बॉडी पार्ट्स मूवमेंट्स, एटम्स के मूवमेंट, तो अब बच्चा बहुत इजीली चीजों को समझ पा रहा है। तो मुझे लगा कि दिस इज द राइट टाइम, और सौभाग्य से जब हमने मन बनाया तब अनएकेडमी ने कांटेक्ट किया। सो पहले से इंटरेस्ट था कि स्टूडेंट के फेवर में ये बहुत यूजफुल होगा, सो बस आपने कॉल किया और हमने मन बना ली, अब हम आपके साथ चल। बिल्कुल सही सर, आपने जो है एकदम, मेरे ख्याल से तो डिजिटाइजेशन इंडिया का ही पूरा जो है कोरिलेशन कर दिया कि किस तरीके से भारत में डिजिटल इंडिया और इंटरनेट की क्रांति से आज अनअकैडमी गांव गांव के बच्चों तक पहुंच रही है। और सर ये गांव तक ही सीमित नहीं रहा है, ये कुछ जो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जो पलायन कर जाते हैं, जैसे कोई दुबई है, कोई कनाडा है, वहां से भी बच्चे अनअकैडमी की क्लास लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनका रिजल्ट बनता है तो देश की नौकरी क्या होती है, सबसे अच्छी होती है। तो अनअकैडमी ने मेरे ख्याल से पूरे जो है वर्ल्ड को छुआ है, और हम पूरी आशा करते हैं कि सर आपके आने से ये चीज और ज्यादा क्या होगी, एक इंटेंसिव वे में क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। तो सर जो आपका ये पूरा अनुभव है, तो मैं चाहता हूँ कि सर थोड़ा सा आप इस अनुभव को इस विषय में रिलेट करें कि अनअकैडमी के बच्चों को आपसे क्या फायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते ही हैं, आपको पता ही है, ऑफ कोर्स, और आजकल के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो बनता ही है। तो सर आपके आने से इस प्लेटफॉर्म को और बच्चों को क्या फायदा होगा? गुड। देखिए पूरे इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ कोचिंग्स हैं, थाउजेंड प्लस कोचिंग्स हैं जो मेरे नॉलेज में। मेरा भी सौभाग्य है कि इंडिया के बाहर मेरे बहुत से स्टूडेंट ऑनलाइन मेरे क्लासेस करते हैं। अभी भी मेरे कुछ क्लासेस चल रहे हैं जिसमें इंडोनेशिया से कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ यूके से स्टूडेंट्स हैं जो क्लास कर रहे हैं। इस एग्जामिनेशन में कोई भी कोचिंग हो, आप सिलेबस नहीं बदल सकते, आप पैटर्न और ट्रेंड नहीं बदल सकते, आप सिर्फ टीचिंग मेथोडोलॉजी बदल सकते हैं। तो जो पिछले 25 वर्षों में हमने टीचिंग मेथोडोलॉजी बिल्डअप की है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और वो स्टूडेंट फ्रेंडली है। मैं कुछ केस स्टडी भी जिक्र करूंगा बाद में। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड डिविजनर थे, हाई स्कूल ग्रेजुएशन तक उनका थर्ड डिविजन ही रहा, बट एक बार मन बनाया, बेस बनाया, पढ़ने का तरीका बदला और वो टॉप 20 में इस समय स्टूडेंट्स हुए, सेलेक्ट हुए, अभी वो जॉब में। रिसेंटली अभी इसी साल IPS भी एक स्टूडेंट है, और एक ऐसा भी स्टूडेंट रहा लाइफ में जो 10 इंटरव्यू देने के बावजूद फेल हो जा रहा था। तो ये मेथोडोलॉजी उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करती है। अब मैं आपको उसको कुछ पॉइंट वाइज बता देता हूँ, क्योंकि ये एक शॉर्ट प्रोग्राम होगा, फिर बच्चों को हम लोग क्लास में इसको डिटेल करेंगे। सबसे पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट को जो पहला स्टेप अपनाना चाहिए वो ये कि वो जिस जॉब के लिए जाना चाह रहा है वो जॉब का नेचर क्या है, और उसके लिए उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये दो प्रोस्पेक्टिव उसको समझ में आना चाहिए। तो D1 अपने इंट्रोडक्शन सेशन में हम स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं बच्चों से, हाउ टू क्रैक दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो सिविल सर्विसेज क्या है, इसका नेचर क्या है, और इस नेचर के लिए किस तरह के एकेडमिक नीड की आवश्यकता है। अब ये एकेडमिक नीड चेक कौन करता है, कमीशन करता है। तो आयोग की आपके प्रति एक्सपेक्टेशन क्या है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन नॉर्मली कोचिंग्स नहीं देते। बस बच्चे का एडमिशन हो गया, टीचर सब्जेक्ट की बम्बार्डिंग स्टार्ट कर देता है, बच्चा उसे कोरिलेट नहीं कर पाता है कि मैं अगर बाबर का डेट ऑफ बर्थ याद कर रहा हूं तो क्यों याद कर रहा हूं, अगर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद उसने पढ़ा 1765 तो क्यों पढ़ा, इसका हिस्ट्री पे क्या इंपैक्ट आया, NCERT पूरी रट गया फिर भी एग्जामिनेशन में बैठा तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसको नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते, ये डाउट्स उसको होते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ट्रेंड क्या है क्वेश्चन का। तो सबसे पहला स्टेज है कि आप जिस जॉब में जाना चाहते हैं उस जॉब का नेचर समझिए, फिर डिमांड ऑफ UPSC और स्टेट कमीशन को समझिए, देन थर्ड स्टेप है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टेजेस को समझिए, लाइक प्रीलिम एग्जामिनेशन है, मेंस है और इंटरव्यू है। इस तीन स्टेजेस में वो आपसे क्या जांचता है, क्या जांचना चाहता है उसे समझिए। इसे समझने के लिए आपको क्वेश्चंस के ट्रेंड एनालिसिस को समझना होता है। आपको एक आश्चर्य होगा, आप चूंकि बड़े सीनियर हैं इस फील्ड के,
मुझे अच्छा लग रहा है कि आपसे हमारी बातचीत हो रही है। आप गौर करिएगा, क्योंकि मैं एक तरफ हिस्ट्री से मेरा बैकग्राउंड है कि मैं ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, दूसरी तरफ मैं एमएससी बॉटनी भी हूँ, तो मैं साइंस और हिस्ट्री का एक अच्छा कॉम्बो हूँ। और मैं स्टूडेंट को कहता हूँ, अगर मैं ये दो चीज पढ़ा सकता हूँ तो आप ये दो चीज पढ़ क्यों नहीं सकते। तो यहाँ पर जब हम नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो हम उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप देखिएगा, एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स हैं, 80% टॉपिक्स आर आउट ऑफ कंटेक्स्ट फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू एंड यूपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। पीसीएस के एग्जामिनेशन और आईएएस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 80% मटेरियल जो एनसीईआरटी में है वो बच्चों के किसी काम का नहीं। हिस्ट्री के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। फिर वो जो 20% फोकस्ड एरिया है, वो स्टूडेंट को अगर डे वन पता लग जाए तो अपनी पढ़ाई का 80% टाइम बचा करके बहुत फोकस्ड पढ़ाई कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग ट्रेंड एनालिसिस सिखाते हैं। तो पहले स्टेज में जिस एग्जाम में उसे जाना है उसकी समझ होनी चाहिए, कमीशन की क्या उससे एक्सपेक्टेशन है ये उसको समझ होनी चाहिए, तीसरा एग्जामिनेशन के स्टेजेस बहुत क्लियर होने चाहिए, फिर नेचर ऑफ एग्जाम समझ में आना चाहिए जिसमें ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तब उसकी तैयारी स्टार्ट होनी चाहिए। और ये जो तैयारी हो वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो मिसगाइड ना हो, वो ट्रैक से डिरेल्ड ना हो जाए, इसको लगातार एक टीम मेंटोर करती रहे कि हाँ साहब यहाँ आप मिसगाइड तो नहीं हो रहे। तो इस चीज के लिए अनअकैडमी में मैंने जो फील किया, मैं लगातार टच में रहा, तो मैंने फील किया कि हमारी जो टीम है, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो मेंटोर्स हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत फोकस्ड गाइड करते हैं कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आपको रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना है। सो ये यूटिलिटी मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा नेचर ऑफ टीचिंग है वही नेचर ऑफ टीचिंग अनअकैडमी का है। तो एक कोहेरेंसी जब बनती है, साइंस भी कहता है कि लेजर लाइट में अगर कोहेरेंसी जब बनती है तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, वो प्रिपरेशन में भी इसका इम्पैक्ट बच्चों को देखने को मिलता है। तो इन स्टेजेस को हम लोग अगर फॉलो करें कि पहले एग्जामिनेशन जिसमें जाना है उसकी समझ बच्चे को हो जाए, एक यूपीएससी और स्टेट कमीशन की एक्सपेक्टेशन उसे क्लियर हो जाए कि उसके अंदर क्या ढूंढ रहा है, फिर एग्जामिनेशन के स्टेजेस उसे क्लियर हो जाए, फिर नेचर ऑफ क्वेश्चन उसे क्लियर हो जाए जिसको हम लोग ट्रेंड एनालिसिस कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, तब उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। प्री के लिए उसकी ऑब्जेक्टिविटी हम बिल्डअप कराएं, मेंस के लिए सब्जेक्टिविटी बिल्डअप कराएं विद राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में केवल सब्जेक्टिव नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं, वो मेरा एक बहुत स्पेशल शो ही चलता है राइटिंग स्किल का, लकली उसमें हम, मेरा सौभाग्य रहा कि यूपीएससी में जो कॉपी जांचने वाले लोग हैं वो मेरे गाइड रहे जिनके अंडर में मैंने पीएचडी की, तो वो अभी भी वो यूपीएससी के एकेडमिक टीम से जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन मेकिंग टीम से हैं। तो क्वेश्चन कॉपी जांची कैसे जाती है कमीशन, उसमें क्या फॉर्मेट होता है, किस स्टेजेस के क्या क्या नंबर मिलते हैं, उसकी समझ मुझे लकली मिल गई। उसको फॉलो करने की वजह से मेरे स्टूडेंट ऑप्शनल हिस्ट्री में मोर देन 60% लास्ट ईयर तक वो अचीव कर रहे हैं, जबकि हिस्ट्री बदनाम है कि नॉर्मली नंबर नहीं मिलता, जो बिल्कुल गलत है। 69% तक बच्चों ने नंबर लिए हैं एक पेपर, एवरेज अगर हम देखें तो 64-67% के बीच में वो एवरेज नंबर ऑप्शनल हिस्ट्री में ला पा रहा। उसकी वजह है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, डिमांड के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट कैसे करना है। अब हिंदी में कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जैसे व्याख्या करें, आलोचना करें, समीक्षा करें, इन सबके मायने अलग हैं, इनको प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होता है, और अनफॉर्चुनेटली कॉलेजेस में इसे सिखाया नहीं जाता। तो वहां विषय का ज्ञान तो बच्चे को है, बट अगर सेम क्वेश्चन लिख दिया कि आलोचनात्मक टिप्पणी करें या समालोचनात्मक समीक्षा करें, तो वो समझ नहीं पाता कि दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें, और तब उसे नंबर नहीं मिलते। तो हम लोगों की प्रिपरेशन में जुड़ने से एक फायदा ये होगा कि एक लंबा जो 25 साल का एक्सपीरियंस मुझे रहा, उसमें अलग अलग तरीके से एक स्टेज होगा कि ऑब्जेक्टिविटी बिल्डअप हम लोग करें बच्चों की, फिर सब्जेक्टिविटी बिल्डअप करें, फिर प्रेजेंटेशन के डिफरेंट स्टाइल में उसे मास्टर बनाए, एंड नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ राइटिंग स्किल, फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के दौरान जब हम इंटरव्यू के लिए फोकस करते हैं, मुझे लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चों के मॉक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। अभी हाल में मैंने करीब 100-150 बच्चों का यूपी पीसीएस में मॉक इंटरव्यू लिया, जिसमें से 9 कैंडिडेट एसडीएम पास आउट हुए, उसमें करीब मोर देन 11 कैंडिडेट नायब तहसीलदार के थे, करीब 7-8 बच्चे हैं जो डिप्टी जेलर के पोस्ट पे हुए। तो वो मॉक के दौरान भी कई बार बच्चा घबराता है, तो अगर हम अपने प्रिपरेशन के दौरान डे वन से अगर उसका बेस बिल्डअप कर दें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन कराना संभव हो जाता है। और अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कोशिश करता हूँ कि डे वन से बच्चे को इस चीज को गाइड किया जाए।
सर, जैसा कि आपने बताया कि समराइज करूं, और मैं भी अगर अपनी क्लास में बताता हूँ व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कैंडिडेट को ये जरूर फॉलो करना चाहिए, नहीं तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं रहता, वो पीएचडी का एग्जाम बन जाता है। हाँ, तो सर, अब आपने जो है अपने इस 25 साल के करियर में बहुत सारे एग्जाम होते हुए देखे हैं, काफी एग्जाम तो जो शुरुआत से ही जब पैटर्न चेंज हुए तो भी जो है आपने उनको देखा होगा, बदलता हुआ समय भी देखा है आपने, बहुत सारे एस्पायरेंट को भी देखा है, बहुत सारे सक्सेसफुल भी होंगे, बहुत सारे फेल्योर भी क्यों हुए उनका कारण भी आपको पता होगा। तो सर, उस समय जो एग्जाम होता था और जो अब एग्जाम हो रहा है, इसमें क्या बदलाव आया है? अब एग्जाम की स्पेसिफिक नीड किस तरफ ज्यादा झुक रही है? वेरी गुड। दो चीजें, मैं इस पूरे प्रिपरेशन में जो ट्रेंड बदला 25 साल में, तो बहुत सी चीजें बदल गई। हर 3 साल पे कमीशन का नेचर बदलता है क्वेश्चन पूछने का, बट वो माइक्रो डिसिप्लिन में बदलता है। जो मेजर डिसिप्लिन में बदलाव हुआ वो 2011, वो टर्निंग पॉइंट। बिफोर 2011 सीसेट नहीं था, बिफोर 2002 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, और 2011 के बाद सीसेट बेस्ड एग्जाम स्टार्ट हो। सो बच्चा आज तक नहीं समझ पाया, और आई एम सॉरी टू से 90% टीचर भी नहीं समझ पाए ऑफलाइन के, कि सीसेट का मतलब क्या होता है। सीसेट का मतलब मैथ्स और रीजनिंग लोग समझते हैं। इसको अगर समझना है तो आप, एक रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी के सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट जब हम स्टडी करते हैं तो वहां से ये बात निकल कर आती है कि कमीशन को जो एआरसी की रिकमेंडेशन आई, उसमें सेंट्रल आइडिया ये था कि जो सिविल सर्वेंट आप सेलेक्ट करके भेजते हैं सिस्टम में, दे आर नॉट फिट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। तो वो अनफिटनेस क्या है, जब उसको जज किया गया तो पता चला कि उनकी अनफिटनेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं। तो ये हुआ कि फिर वो ट्रेड्स और रिक्वायरमेंट्स कैसे ढूंढा जाए। तो इसके लिए जो रिकमेंडेशन साइज रिकमेंडेशन को कॉमन अगर हम एक नाम दें तो उसका नाम रखा गया सी सैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड मतलब ही क्या होता है, स्पेशल काइंड ऑफ स्किल फॉर व्हाट पर्पस, सिविल सर्विसेज पर्पस। तो सिविल सर्विसेज का ये एप्टीट्यूड टेस्ट था। अब प्री का पूरा एग्जाम ही एप्टीट्यूड टेस्ट है, जबकि 90% कोचिंग में बताया जाता है कि केवल सेकंड पेपर है वो सीसेट का पेपर। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम लोग तो तब से, जब से कमीशन इसके रिकमेंडेशन, अलग कमेटी की रिपोर्ट, और जाने और कितनी रिपोर्ट हम लोगों ने जो देखी उस दौरान, ये कमीशन खुद कंफ्यूज था। मैं आपको एक एग्जाम्पल दू, 2011 का जीएस का पेपर देखिए, उस पे लिखा है जीएस पेपर वन एंड जीएस पेपर टू। आज तक कमीशन के किसी भी पेपर पे नहीं लिखा मिलेगा कि दिस इज सीसेट पेपर। पेपर टू को कभी सीसेट हेडिंग आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज प्रीलिम एग्जामिनेशन का मतलब है सीसेट एग्जामिनेशन। इट हैज टू टाइप्स ऑफ पेपर्स। फर्स्ट पेपर इज द नेचर ऑफ जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज, एंड सेकेंड वन इज द पर्सनैलिटी टेस्ट विद द एप्टीट्यूड लेवल। तो ये जो दो पेपर है, इसमें एक जो है वो फैक्चुअस नेचर है, सब्जेक्ट के तथ्यात्मक विषय का ज्ञान बच्चे को है कि नहीं, और उसका एप्लीकेशनल नॉलेज उसके पास है कि नहीं, वो सेकंड पेपर में। तो जो एप्लीकेशनल नॉलेज है उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन एक मेजर पार्ट। इसका भी एक एग्जांपल है 2011 का, अगर आप सीसेट का पेपर देखें तो पहली बार इकोनॉमी में सिलेबस चेंज हुआ था, तो इंक्लूसिव ग्रोथ एक टर्म आया था। इंक्लूसिव ग्रोथ पर पूरा एक पैराग्राफ है उसमें आप देखिए। एनवायरमेंट इकोलॉजी पहली बार सिलेबस में दिया गया था, तो इकोसिस्टम पर एक पूरा पैराग्राफ है। लोग गलती क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की प्रिपरेशन का मतलब समझते हैं कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो अनसीन पैसेजेस हैं उसको उठाओ प्रैक्टिस कर लो। एक्चुअल जो जनरल स्टडीज के डिफरेंट सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है उसका प्रैक्टिकल अप्रोच बच्चे में है कि नहीं, वो कॉम्प्रिहेंशन में नॉर्मली पूछा जाता है। पॉलिटी के किसी सेगमेंट से ले लेगा, ज्योग्राफी के किसी सेगमेंट से ले लेगा। तो वो जो कॉम्प्रिहेंशन है, आप अगर गौर करेंगे तो सेकंड पेपर का 50% अप्रोक्स जो एरिया है वो उस एरिया को कवर करता है, लेस देन 50% कहें 40% के आसपास। तो जो ये एग्जामिनेशन का नेचर है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया कि अब ये होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलता है कि पूरी पर्सनालिटी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड के अकॉर्डिंग है कि, और इट हैज थ्री थिंग्स, ध्यान से सुनिएगा, ये कहीं लिखा नहीं मिलता। पहला, कमीशन स्टूडेंट में ढूंढता है एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेलिजेंसिया, एंड सेकेंड थिंग जो वो ढूंढता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटालिटी, एंड थर्ड थिंग जो कमीशन ढूंढता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। अगेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेलिजेंसिया, प्रशासनिक बौद्धिकता का हिंदी में व्यवहारिक अर्थ यह हुआ कि प्रशासनिक कार्यों के दौरान जिस बुद्धि सक्षमता की उसकी आवश्यकता है, उसको आवश्यकता पड़ेगी, वो उसमें है कि नहीं, ये कमीशन चेक करता है। इसके लिए
वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंटल, इकोलॉजी के सवाल पूछता है, वजह भी बड़ा साफ है। इंडिया दुनिया के गिने चुने कंट्रीज में से है जहां वर्ल्ड वाइज डिफरेंट ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज अवेलेबल है। आप ऊपर देख लीजिए, बर्फीले पहाड़ है तो नीचे समुद्री किनारा है, पश्चिम में अगर थार का रेगिस्तान है तो गैंगेटिक प्लेन भी आपको मिलेगा। तो जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसका ह्यूमन लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी समझ बच्चे को होनी चाहिए, ना कि ज्योग्राफी के फैक्ट्स वो रटकर एग्जाम में जाए। ये तो ज्योग्राफी का पार्ट होगा। सेम चीज पॉलिटी, ये देश चलता कैसे है, इसके लिए पॉलिटी का नॉलेज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए जो इंटेलिजेंसिया रिक्वायर्ड है वो एग्जामिनेशन में वो पूछ लेता है। सेकेंड चीज है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटेलिटी। प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों जगह पर मेंटेलिटी जज होती है स्टूडेंट की, कि कहीं वो प्री जुडिशियस तो नहीं है, कहीं वो कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब तो नहीं कर देगा, कहीं वो बायस तो नहीं है। ये मेंटेलिटी भी रेगुलर प्री से ही चेक होनी शुरू हो जाती है, मेंस स्पेसिफिकली चेक होती है, राइटिंग में आपके स्पेशली एसे का पेपर ही बनाया गया इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बीच में कमीशन ने एसे बंद कर दिया था, फिर एसे को रीस्टार्ट करने के पीछे, पर अगर आप 1947 से एसे की हिस्ट्री देखेंगे तो बीच में एसे का पेपर बंद कर दिया गया, सतीश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट के बाद फिर से एसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तब जाकर ये चीजें चेंजेस के रूप में आपके सामने है। तो एसे भी पर्सनालिटी के उसी मेंटेलिटी और बिहेवियर को चेक करता है। फाइनली इंटरव्यू आपके कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पर जाता है कि आपका नॉलेज लेवल क्या है, मेंटेलिटी क्या है, बिहेवियर क्या है। तो तीन चीज, अब जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मैंने फील किया 2011 के पहले इतना ज्यादा कमीशन फोकस नहीं था, अब वो ये तीनों चीजें कैंडिडेट के अंदर सर्च करता है। और हमें डे वन से अगर इन बच्चों को हम इस पर फोकस कर दें तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन का रेशियो किसी भी बैच में, जिस बैच में भी इस पर फोकस किया जाएगा, सिलेक्शन का रेशियो नो डाउट बढ़ेगा। बहुत सही सर। अब सुरा सर, स्टूडेंट के मोटिवेशन की भी बात कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इस तैयारी में अपना मोटिवेशन खो देते हैं, तो सर आप उन स्टूडेंट के लिए कैसे सहायता कर सकते हैं? आवाज थोड़ी कट गई, फिर से बोल दे। सर इस तैयारी में बहुत सारे बच्चे जो है अपना मोटिवेशन लेवल उस स्तर का नहीं बना पाते जिस स्तर से उन्होंने शुरुआत की थी, तो ऐसे विद्यार्थी या ऐसे एस्पायरेंट क्या करें कि उनका मोटिवेशन बना रहे? बहुत अच्छी बात। हम लोग अपने क्लासेस में केवल टीचिंग नहीं देते, क्योंकि टीचिंग मोनोटोनस हो जाती है। ये प्रिपरेशन अप्रॉक्स 1.5 से 2 साल का समय लेगा, और जाहिर सी बात है कि टाइम बहुत किल करना पड़ता है। सभी बच्चे रेस में जब भागते हैं तो कुछ की स्पीड बहुत तेज हो जाती है, कुछ लड़खड़ा कर गिर भी जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि दौड़ूं भी कि ना दौड़ूं। इस कंडीशन में मोटिवेशनल जो थॉट्स हैं वो बड़ा हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट ऐसा भी है, मेरे पास ऐसा भी कैंडिडेट आया जिसने 5 साल में लगभग 10 इंटरव्यू दिए और वो किसी में फाइनल सिलेक्शन नहीं पाया, और अंततः उसने सारा सामान पैक किया, रख दिया और वो चला है कि सर आपने मुझे पढ़ाया था, मुझे किसी लायक समझते हैं तो मुझे थोड़ा सा कुछ नौकरी दीजिए, मैं भी कुछ पढ़ा लूंगा आपके। रुड़की से वो बीटेक था और ज्योग्राफी उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा था, उसने कहा मैं कुछ हेल्प कर दूं। तो उस समय तो हम डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि एक चीज बड़ी क्लियर है, जब डिजास्टर सिचुएशन हो तब कभी आंधी को रोकने की कोशिश नहीं की जाती। आंधी गुजर जाने के बाद फिर आप डैमेज कंट्रोल करते हैं, तो उस समय का मेंटल स्टेटस रोक करके मैंने उसको काम तो दिया लेकिन साथ साथ मोटिवेट करता रहा कि नहीं तुम कर सकते हो। और मैंने उसको एक एग्जाम्पल बड़ा कॉमन सा कोट किया कि एक दिन पूरी रात तुम जरा जगना, फिर मुझे बताना कि तुम्हें नींद कब आई। तो उस बच्चे ने प्रैक्टिस कर मुझे बताया कि सर 4 बजे के आसपास मुझे भयानक नींद आई, फिर मैं सो गया। हमने कहा इसलिए क्योंकि 5 बजे सवेरा हो गया, तो तुम्हारी जिंदगी में जब सवेरा होने का वक्त आ रहा है तब तुम्हें नींद आ रही और अब तुम भाग रहे हो, तो इस समय तुम्हें जगने की जरूरत है। अगर ये तुमने 1 घंटा क्रॉस कर लिया तो फिर सवेरा तुम्हारा, दिन तुम्हारा। एंड यू कांट बिलीव, उसने एग्जाम दिया, फिर से रिजल्ट लिया। पहली बार UPPCS में उसका रिजल्ट आया तो छोटी पोस्ट मिली उसको, जिसको अलाइड सर्विसेज कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उत्साहित हुआ, मैंने कहा ठीक है कोचिंग में पढ़ाते रहो, एक बार और ट्राई करो। एक बार और ट्राई किया, प्री मेंस इंटरव्यू तो हर बार जाता था, फिर इस बार निकला, इस बार उसका रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर आया, ट्रेजरी अफसर। फिर उसने कोशिश किया थर्ड अटेम्प्ट में, फिर प्री मेंस और इंटरव्यू दिया और इस बार उसका सिलेक्शन हुआ DSP के लेवल, और आज वो प्रयागराज में ही DSP के पोस्ट पर है। नाम है मिस्टर अजीत कुमार, वो मेरा 2007 का स्टूडेंट था।
और 12 में जाकर के जब मैंने उसको लगातार मोटिवेट किया तो उसका रिजल्ट कन्वर्ट हुआ। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा हिम्मत छोड़ देता है, तो हम सभी टीचरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचिंग के साथ साथ मोटिवेशनल फैक्टर्स को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। ये रिजल्ट मतलब ये मिरेकल्स देते हैं। कई बार बच्चा जो हिम्मत छोड़ के चला गया, बंद कर दिया, वो दोबारा लाया जाता है और रिजल्ट देता है। अगर कंटिन्यू कोई प्रिपरेशन में और साथ साथ उसे अगर एंथुसियास्टिक मोटिवेशन मिलता रहे तो वो कभी हिम्मत नहीं छोड़ता है और लगातार उसकी टाइमिंग्स भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही सर। सर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकेडमिक अवार्ड भी मिला है, इस अवार्ड के बारे में सर हमें थोड़ा डिटेल में बताइए आप। जी हाँ, अगर आप गौर करेंगे तो स्क्रीन के कॉर्नर पे एक इमेज आपको दिख रही होगी। हाँ, ये उसी अवार्ड सेरेमनी की एक छोटी सी याद है हमारी। 2009 में मुझे अवार्ड दिया गया। ये हर साल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस पर दिसंबर के महीने में पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के कैंपस में, जिसको एनेक्सी कहते हैं, वहां ये अवार्ड सेरेमनी होता है। पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट्रियन पर्सन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उनको ये अवार्ड मिलता है और बाहर ये 5 डिफरेंट फील्ड के लोगों को ये अवार्ड मिलता है। मुझे एज अ बेस्ट एजुकेशनिस्ट ये अवार्ड मिला 2009 में, एंड सेम टाइम उसी साल बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड मिस्टर हुड्डा को मिला था, जो उस समय चीफ मिनिस्टर हरियाणा हुआ करते थे। एक आज तक के करिस्पॉन्डेंट को मिला था, एक सोशल एक्टिविस्ट को मिला था। तो 5 डिफरेंट फील्ड के लोगों को हर साल ये अवार्ड पार्लियामेंट एनेक्सी में मिलता है। सर ये अवार्ड मिलना अपने आप में भी ये जो है आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट दिखाता है कि आप पूरे हिंदुस्तान के जो है नंबर 1 जो है टीचर रहे। सर ये अवार्ड किस सन में मिला था आपको सर, दोबारा बताइए। 2009। तो हमारे व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि सर ने ये अवार्ड 2009 में ही ले लिया था। और इस समय सर कहते ना कि आदमी जितना ओल्ड होता है उतना ज्यादा शार्प होता है, तो आपका अनुभव डेफिनेटली अनअकैडमी के बच्चों को बहुत ज्यादा सहायता देगा। और जो आपने वो बात बोली ना कि लकली आप वो चीज सीख गए जो एग्जामिनर चेक करते हैं, यूपीएससी की कॉपी, आपके जो मेंटर्स रहे थे, तो वो तो एक तरीके से एक यूनिकनेस है। मैं तो कहता हूँ ये तो कि एक तरीके से जैसे एनवायरमेंट होता है ना, एनवायरमेंट में इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ये इंडेंजर्ड लोग ही होते हैं जिनके पास ये क्या होती है, प्रतिभा होती है कि एग्जैक्टली कॉपी की डिमांड क्या है, आयोग की डिमांड क्या है। तो सर मेरे को तो इंटरव्यू लेते लेते बहुत ज्यादा रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि सर आप जो है हमसे जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मिराकल होगा और उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होगी। जो यहाँ पे भी बच्चे काफी इंटरव्यू और मेंस पे पहुंच रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, तो हो सकता है कि इस बार वो फाइनल क्रैक कर दे, टॉप 10 में अपनी रैंक ले आए। अब सर जो बच्चे जनरली ऑप्शनल, मेरी क्लास में भी ऑप्शनल के पीछे लगे रहते हैं कि सर ऑप्शनल कैसे चुने, तो मैं चाहता हूं सर आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें कि वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये एक ऐसा प्रश्न आपने पूछा, मैं आपको बताऊं मेरे 25 साल के करियर में हर साल बड़े चुनौतीपूर्ण सवाल आते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा अच्छा कैलकुलेटिव आंसर है। अब मैं आपको एक जनरल जो प्रैक्टिस है हमारी इंडस्ट्री में, मैं 2 मिनट बस उस पर बता करके इसके कंक्लूजन पे आ जाऊंगा। जनरल प्रैक्टिस ये है कि जिस कोचिंग इंडस्ट्री में जिस टीचर से बच्चा पूछने जाता है वो अपना प्रोडक्ट उसे सेल कर देता है। अगर वो मान लीजिए ए सब्जेक्ट का टीचर है तो कहता है यही सब्जेक्ट सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं, और वो बाकी सब्जेक्ट की बुराइयां गिना देता है और अपने सब्जेक्ट की अच्छाइयां गिना देता है। ठीक, ये प्रैक्टिसेस अक्सर मिसगाइड कर देते हैं, क्योंकि जिस बच्चे की मेंटालिटी हिंदी लिटरेचर पढ़ने की नहीं है, आप उसको टॉप 4 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का मेरिटोरियस नंबर दिखा दो और उसे मोटिवेट कर दो, हिंदी लिटरेचर पढ़ा दो, लेकिन अगर उसे कविता याद नहीं होती है तो वो कभी अच्छे नंबर नहीं लाएगा। अगर उसकी कविता में रुचि नहीं है तो कभी नंबर नहीं लाएगा। तो हमारा जो ब्रेन है वो 2 तरीके का है, नेचर ये देखा गया है कि या तो हम एनालिटिकल ब्रेन के हैं, या तो हम बहुत कैलकुलेटिव ब्रेन के हैं, या हम जिसको हम ह्यूमैनिटीज कहते हैं, हम ह्यूमैनिटीज प्रैक्टिकलिटी के ब्रेन। तो अब कोशिश ये करना चाहिए बच्चों को कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामर। तो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट को 2 चीज देखनी चाहिए कि इस एग्जामिनेशन पैटर्न में पहला स्टेज होता है कि अगर उसके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स ऑप्शनल की लिस्ट में हों
और वो उन सब्जेक्ट के साथ बहुत कंफर्टेबल हो, तो पहला स्टेज है कि वो अपने ही ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को प्रेफर करे, नंबर वन। अब मान लीजिए ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑलरेडी है भी सिलेबस पर, एक बच्चे ने बीएससी मैथ्स से किया है, मैथ्स उसको अच्छा भी लगा, उसको नंबर भी अच्छे मिले, लेकिन अगर वो मैथ्स ले लेता है तो यूपीएससी के एग्जामिनेशन के पैटर्न में जो डिमांड है यूपीएससी की, उस लेवल की प्रैक्टिस वो नहीं कर पाता। और इस इंडस्ट्री में मैथ पढ़ाने वाले लोग रेयरेस्ट पर्सन है, रेयरेस्ट, पूरे हिंदुस्तान में अगर मैं गिनूं तो शायद तीन या चार नाम से ज्यादा मुझे नहीं मिलते, और मेरा सौभाग्य है कि उसमें से दो लोग मेरे फ्रेंड हैं जो दिल्ली में हैं, जिनके साथ मैं जुड़ा हूं, और वो लगातार रिजल्ट्स दे रहे। तो अब यहाँ सेकंड चीज आएगी, पहला तो अपना सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन का है तो प्रेफर कर लें, दूसरा आपको अच्छे मेंटोर मिलने चाहिए जो यूपीएससी और स्टेट कमीशन के नीड के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर सके। थर्ड थिंग इज कि दोनों चीज पॉजिटिव अगर है तो थर्ड थिंग है कि उसका कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में या आपकी अपनी प्रैक्टिसेस से होना चाहिए। थर्ड, उसमें अच्छे नंबर्स आने के ट्रेंड्स हों। ये ट्रेंड कई बार क्या होता है कि कमीशन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कमीशन के जो मार्किंग के पैटर्न है उससे ही अफेक्टेड होते हैं। अगर ये चार चीजें होके हैं तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट पांचवा लेकर के एग्जाम दे सकते हैं। मेरे पास एक इसका एक एग्जाम्पल, इकोनॉमी ऑप्शनल कोई नहीं पढ़ता, ना नॉर्मली लोग पढ़ाते हैं कि साहब बहुत वेरिएबल डेटा है, हर साल डेटा बदलता, पढ़ने की जरूरत नहीं। आप रिजल्ट देख लीजिए, 1984 में मिस्टर अनिरुद्ध कुमार साहब ने बैंकिंग पीओ की नौकरी छोड़ी, एक साल उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने टॉप किया, इकोनॉमी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर के टॉप किया। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस स्टडी है, 25 साल का अगर हम लोग बात करेंगे तो घंटों हो जाएगी। तो कोई भी एक सब्जेक्ट लिया जा सकता है। अब कंक्लूड हम कर लें कि 50 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, 25 लिटरेचर के हैं, 25 जनरल सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं। तो अब जो पैटर्न है, चूंकि जीएस के चार पेपर आ चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको उनमें से ऐसे पेपर प्रेफर करने चाहिए जो जीएस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करा सकते हो। फायदा क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट का यहाँ सारा गेम है, नेचर ने आपको 24 आवर्स अलॉट किए, नॉट मोर देन सिंगल सेकेंड, तो आपको उस 24 घंटे को यूज करना है। अब मान लीजिए किसी बच्चे का ऑप्शनल हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है या पॉलिटिकल साइंस है या पब्लिक एड है या सोशियोलॉजी है, ये पांच वो सब्जेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस एग्जामिनेशन के जनरल स्टडी सेक्शन को, ऐसे राइटिंग को वो हेल्प करते हैं। पॉलिटिकल साइंस को ले लीजिए तो जीएस सेकेंड पेपर कंप्लीटली पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी को ले लीजिए तो ज्योग्राफी ऑप्शनल अपने साथ साथ एनवायरमेंट इकोलॉजी को कवर कर लेता है, जो जीएस प्री में भी है, जीएस मेंस में भी है, और गाये बगाये निबंध में यहाँ से कोई ना कोई निबंध एक दो साल के अंतर पर आ जाता है। यूपी में तो स्पेशली देखेंगे एनवायरमेंट पे निबंध ही पूछ रहा है वो, तो ज्योग्राफी दूसरा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। तीसरा सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना और इस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके पास अच्छा है, इसमें लोग नंबर क्यों नहीं उठा पा रहे, खासकर यूपी पीसीएस में अगर मैं बता दूं तो इसका जो क्वेश्चन बनता है वो इंग्लिश में बनता है और हिंदी में ट्रांसलेट होता है, कई बार इतनी जटिल हिंदी लिख दी जाती है कमीशन के द्वारा कि बच्चा प्रश्न नहीं समझ पाता है। क्वेश्चन का एग्जांपल बताता हूँ, पब्लिक एड में हमारे कई साथी पढ़ाते हैं, उसमें एक शब्द आया नवोन्मेषी प्रशासन और बच्चा आंसर छोड़ करके चला है। हम और हमारे पब्लिक एड के साथी बैठे थे, बच्चे अपने मेंस के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, पब्लिक एड वाले बच्चे ने सर आपने सब पढ़ाया, ये एक क्वेश्चन हमसे छूट गया। तो पूछेगा भाई ये तो पढ़ाया क्लास में, ये देखो मैटर है इनोवेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तुमको पढ़ाया कि इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, इनोवेटिव पढ़ाया था ना आपने, नवोन्मेषी कहाँ पढ़ाया था। तो कई बार क्या होता है कि कुछ जटिल शब्दों की वजह से पब्लिक एड मात खा जा रहा था, एक चीज। दूसरा, उसमें साल दर साल जो रिपोर्ट्स आती है अगर वो इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है तो नंबर अच्छे मिलते हैं, ये पब्लिक एड के टीचर्स बेहतर बताते हैं इन चीजों के मामले में। तो ये देखा गया है कि पब्लिक एड में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना, अगर उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो नो डाउट आपको बहुत अच्छे नंबर दे देता है, राइट। अब एक और खास चीज, इसके अलावा एक सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, जिसके बारे में कहा जाता है कि इतना फैक्ट है कि पढ़ते रह जाइएगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा। जो हिस्ट्री का सिलेबस है, आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि सिविल सर्विसेज में जाने के लिए बिना हिस्ट्री के नॉलेज के आप सिविल सर्वेंट आज बन ही नहीं सकते। आज का जो सिलेबस का पैटर्न है वो ये कहता है कि आपको एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ आपको जनरल स्टडीज में पढ़ना ही पढ़ना है। इतिहास में क्लास 6 स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में राइटर्स ग्रुप ये लिखते हैं कि इतिहास पढ़ने का उद्देश्य
किसी भी देश समय काल के वर्तमान को समझना होता है, अगर आप किसी देश का करंट सिचुएशन समझना चाहते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स को समझना चाहते हैं, तो इतिहास पढ़ लीजिए, उसका जो वर्तमान है समझ में आ जाएगा। और प्रशासक वर्तमान के आधार पर भविष्य का निर्माण करता है, तो भविष्य निर्माण के लिए इतिहास की आवश्यकता। तो ये पांच वो सब्जेक्ट हैं जो जीएस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। मैं रिपीट कर दूं, एक है हिस्ट्री, एक है ज्योग्राफी, एक है पॉलिटिकल साइंस, एक है पब्लिक एड, एक है सोशियोलॉजी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ तो बच्चे को लगता है अच्छा आप हिस्ट्री जानते हैं, इसलिए साथ आप हिस्ट्री को अच्छा कह रहे हैं। मैं हिस्ट्री को सबसे बाद में इसलिए कहता हूँ कि बाकी चारों सब्जेक्ट सबसे अच्छे हैं, इनमें अगर कहीं आपको अच्छा ना लगे तो आप इसमें आंख मूंद कर ज्वाइन करिएगा। मोर देन 60% पिछले 10 साल से हमारे स्टूडेंट्स अचीव कर रहे हैं, लगातार ले रहे हैं। इसमें नंबर कैसे उठता है, हर सब्जेक्ट का विशेषज्ञ अनएकेडमी के पास जेम्स हैं। आप लोगों ने ऐसे नगीने पकड़ रखे हैं कि जो जो सब्जेक्ट का ऑप्शनल का टीचर आपके हैं, वो अपने सब्जेक्ट में बेस्ट नंबर लाने में या दिलाने में वो कैपक, ये स्टूडेंट के लिए प्लस पॉइंट। मेरा भी एक छोटा सा रोल है कि अगर कोई बच्चा इतिहास लेता है तो वन ऑफ द बेस्ट उसे कैसे नंबर लाना है ये उसे सिखाया जा सकता, वो जीएस पढ़ने के साथ साथ ऑप्शनल की प्रिपेयर कर सकता। ठीक है सर? सर काफी हमने डिटेल में चर्चा कर भी ली और आपने लगभग लगभग सभी बिंदुओं पे इक्वली पूरी ईमानदारी से आई वुड से कि आपने प्रकाश डाला। और आपने एक थीम रखी, एक स्टैंडर्ड थीम की क्या बच्चों को करना चाहिए बिना किसी ये सोचिए अगर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है तो सामने वाले को भी हिस्ट्री बता दिया जाए। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको अनअकैडमी से जुड़कर कैसा महसूस हो रहा है, उस फीलिंग के बारे में सर थोड़ा बताइए। क्योंकि मैं साइंस का भी टीचर हूँ तो लंबे समय से 25 साल से साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता रहा हूँ, तो बस कुछ ऐसा है कि मेरे अंदर एक एनर्जी है और एक एनर्जी अनएकेडमी के पास है, अगर ये सिनर्जाइज हो जाएगी तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हम दे पाएंगे। और इसीलिए मुझे अंदर से बहुत खुशी है, मैं हर उस प्लेटफॉर्म पर सेवा देना चाहता हूँ जो बच्चों को सिलेक्शन दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है, और अनअकैडमी ऐसा कर रहा है, इसलिए जुड़कर मुझे बड़ी खुशी है उस प्लेटफॉर्म से। सेम हेयर सर, हमें भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और हमें एस्पायरेंट के सपने सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर ऐसे जीनियस पर्सनालिटी अनअकैडमी से जुड़ती हैं तो हम नो डाउट कह सकते हैं गाँव का हर एक बच्चा जो है डिप्टी कलेक्टर और DYSP बन सकता है और UPPCS का UPSC की भी तैयारी कर सकता है, जिस हिसाब से मैं आपका अनुभव देख रहा हूँ। तो आप तो दोनों के एकदम एक तरीके से एक्सपर्ट की भी जो एक्सपर्ट होते हैं वो लेवल आपको देना पड़ेगा, ये हमारा सौभाग्य है सर। और बहुत जल्दी ही आपकी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे क्लासेस स्टार्ट होंगी। जितने भी एस्पायरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनको कोई भी क्वेश्चन आता है या कन्फ्यूजन आता है, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और जहां तक अभी तक हमने पूरा इंटरव्यू लिया तो मैं सर से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सर एक छोटा सा इंटरव्यू हम आपके फाइनल क्लास से पहले जरूर रखें, एक आंसर राइटिंग पे भी जरूर रखें। वह एक ऐसा सर आप एक तरीके से जेम्स हो, ठीक है, डायमंड हो जो बहुत ढूंढने से मिलता है। तो अगर वो डायमंड हमें हमारे पास मिला है तो डेफिनेटली वो डायमंड पूरे भारत को क्या करेगा, इनलाइटेंड करेगा। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार सर, आपसे इंटरव्यू लेके बहुत अच्छा लगा और एक सेशन और हम रखेंगे और बहुत ही जल्दी विद इन ए वीक आपकी क्लास अनअकैडमी पे स्टार्ट होगी। थैंक यू वेरी मच सर, हैव ए गुड डे। बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, एंटायर अनअकैडमी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, फाउंडर मिस्टर रोमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी टीम, अभी तो बहुत सारे लोगों से परिचय होगा धीरे धीरे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।